कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं अब जानना चाहता हूं, क्या आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहन और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी,
महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, तीन तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुरके के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा, ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा, भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और मोदी सरकार इसलिए जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता भी यही चाहती है, दोनों आपका के मुझे बताओ, जो राम को लाए हैं आप इससे सहमत हैं? बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं। यहां पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है।